अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हमारे शहज़ादे जो है ना वो आ चुके हैं दुबई में, देखें लैंड हो चुके हैं जो है ना कल के, तो थकावट शिकावट उतर गई उनकी। सफ़र बहुत लंबा करके आए थे कराची से दुबई, बहरहाल फिर भी थकावट जो है वो उतर गई है। तो वो आपने सुना है जिनने लाहौर नहीं देखा और जमया नहीं, और जो दुबई आया बुर्ज खलीफा नहीं गया तो उन्हें दुबई नहीं देखा ऐसे। तो आज फिर जो है ना जा रहे हैं, बच्चे को दिखाते हैं चल के सीधा दुबई माल बुर्ज खलीफा। ये देखें रमज़ान ऑफ़र जो है वो चल रही है यहाँ पे, अभी हम पूछते हैं ऑफ़र चल रही है स्पेशल, ये 29 दिरहम ओनली। ओके, तो आ गए हैं बस स्टेशन पे। बस पे चलें यार, क्या ख्याल है आप लोगों का? बस पे जाना चाहिए, ये बस स्टेशन आ गए। अगर आप लोग कहते हैं बस पे तो बस, बहरहाल मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेन पे, तो साथ ही ट्रेन है, फिर चलते हैं फिर ट्रेन पे। कैमरे किस किस को पसंद है, और पता है कितनी महंगी है पाकिस्तान में यहाँ टैक्सी में चलती है? नहीं यकीन, ये देख लें, ये दुबई टैक्सी और कैमरे, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ी है टैक्सी में चलने के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियों की ख्वारी होती है यहाँ टैक्सियों में भाई जी। तो फाइनली जो है पहुंच गया हूं मैं ट्रेन स्टेशन पे, बस को पीछे छोड़ दिया था। यहां पे है अल इत्तेहाद, सामने यूनियन, तो यूनियन पे आ गए हैं। दरवाज़ा भाई पहले ऑलरेडी खुल जाता है ना, प्रोटोकॉल देते हैं आपके भाई को भाई दुबई वाले जो है ना, दरवाजे इलेक्ट्रिक है ना तो फिर प्रोटोकॉल तो बनते हैं, उन्होंने देना है। यहाँ से चलते हैं नीचे। यस गाइस, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है ऊपर से इलेक्ट्रिक स्टेयर पे ऐसे पांव रखा हो तो चार पांच कल्टियाँ जो है वो पड़ गई? अगर हुआ है तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एक दफ़ा मैं बच गया था सच में, मेरे पास बैग था, एयरपोर्ट से जैसे मैं निकला हूँ ऐसे खड़ा हुआ तो वो मेरा पांव जो है ना वो आगे पीछे हो गया थोड़ा बैग के चक्कर में, कल्टियाँ लगते लगते मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो बच गया था। कार्ड हमने अपना जो है वो निकाल लिया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर करना है हमने पंच। ओके, दुबई मॉल के लिए जो है यहाँ पे देख लेते हैं प्लेटफॉर्म को, और ये आ रहा है दुबई मॉल, तो इसके लिए जो है हमें जाना है प्लेटफॉर्म 2 की तरफ, तो इस तरफ जो है वो चलते हैं सीधा भाई। यहाँ से चलते हैं सीधा डाउन स्टेयर, ट्रेन जो है वो आने वाली है, रश काफ़ी है, इफ्तारी का टाइम करीब है तो इसलिए जो है छुट्टी भी हो चुकी है, रश बहुत है यहाँ पे। मैं आपको इधर देखें उस तरफ जो है वो ट्रेन आ रही है, तो वहाँ पर देखें कितना जो है ज़्यादा रश है, बट हमने जाना है इस तरफ, हमारी ट्रेन जो है वो इस तरफ आने वाली है। गाइस रश बहुत ज़्यादा है ट्रेन पर, मैं आपको दिखाता हूँ ये कितने सारे लोग जो हैं यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ऊपर 2 मिनट में, तो 2 मिनट के बाद जो है यहाँ पर ट्रेन आ जाएगी। ट्रेन आ गई है बट हमें जो है ना लाइन अप होना पड़ेगा, आई होप कि हमारी बारी आ जाए, रश बहुत जो है वो ज़्यादा। डोर ओपन, बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे। घुसना तो है भाई, क्या करें, घुसने के अलावा हमारे पास कोई हल जो है वो नहीं है, जाना ही जाना है इसी ट्रेन में। ऑलरेडी बहुत जो है वो लेट हो चुके हैं, बहुत रश है गाइस। ये चेक करें, अभी 7वां रोज़ा है, ट्रेन में रश, और ऐसा लग रहा है जैसे सारे लोग इफ्तारी करने के लिए दुबई मॉल जा रहे हैं। सही बोला, ये चेक करें आप ट्रेन के अंदर कितना ज़्यादा जो है रश है। ओए होए होए, रश इतना था ट्रेन में आज, मैं जितनी दफ़ा आया हूँ ट्रेन में सफ़र किया ना, तो आज तो सबसे ज़्यादा जो है वो हट के रश था यार। दुबई मॉल आ गए हैं स्टेशन पर, और धक्के ऐसे लग रहे थे ना, ट्रेन जब रुक रही थी और चल रही थी तो गिर रहे थे लोग एक दूसरे के ऊपर जो है। अब यहाँ से चलते हैं नीचे, पंच वाली जगह पे भी जो है कार्ड लंबी लंबी लाइन है भाई आज, तो लंबी लंबी, जल्दी जल्दी बस कार्ड हाथ में रखो और मारो। ओए ओए, गुड 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 गुड, मैंने जल्दी में कर दिया था, डबल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब हमारा रास्ता, हमारी मंजिल है इस तरफ सीधा दुबई मॉल, ये रास्ता जाता है जी सीधा दुबई मॉल, यहाँ से हमें जो है अंदर अंदर से जाना है और फिर सीधा चल के आपको मिलता हूँ दुबई मॉल। आज मुझे थकावट हो रही है या दुबई मॉल जो है वो दूर हो गए यार, इतनी देर से चल रहा हूँ आ ही नहीं रहा है दुबई मॉल, अभी भी जो है वो रास्ता जो है बाकी है।
फाइनली मैं आ गया हूँ दुबई मॉल। ये आ गया जी सामने हमारे दुबई मॉल एंट्रेंस पे। आज ना यार सेल डाउन मूड में, अफ्तारी का टाइम जैसे करीब हो रहा है। मैं आ गया हूँ दुबई मॉल, तो आप देखें मेरे पीछे इस तरफ और उस तरफ रमज़ान है, रमज़ान स्टार्ट हुआ हुआ है, तो रमज़ान की ही नस्बत से लाइटिंग जो है ना वो की हुई है। क्या खूबसूरत माहौल है यार, आउट क्लास, ज़बरदस्त। इस तरफ और मेरे इस तरफ, बल्कि शॉप्स के अंदर भी, बाहर टोटल पूरे हाल और इसके अलावा जो शॉप्स हैं उनके अंदर भी जो है ना रमज़ान शरीफ का पूरा जो है वो माहौल बना हुआ है। ये चेक करें, ये देखें जी, कमाल कमाल है, हाँ क्या बात है। ये तो जस्ट मैं अभी एंटर हुआ हूँ भाई, अभी आगे भी चलते हैं, बहुत सारी और चीज़ें वो भी आप लोगों को दिखानी है, बाहर भी जाना है, फाउंटेन की तरफ भी जाना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। दुबई मॉल आ गया तो भाई मज़ा ही आ जाता है ना, कोई अपना ही लेवल है। नेक्स्ट से जो अगला लेवल है ना वो लेवल है। ये यहाँ पे देखें क्या खूबसूरत है, ये फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट की आप जो है वो खाली डेकोरेशन चेक करें, तो इसीलिए तो दुबई मॉल कहलाता है, इसीलिए तो यहाँ इतनी सारी जो है वो पब्लिक आती है भाई। चेक करें क्या ज़बरदस्त, ओए आया मज़ा फ्रेंड्स। ऊपर वाले फ्लोर तो हमारा हो गया है, अभी चलते हैं यहाँ से नीचे। चलो जी, नीचे का व्यू आउट क्लास जी। तो अभी चलते हैं हम वाटरफॉल की तरफ, इतना ही प्यारा व्यू जो है मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप अभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे, तो मैं अभी बस सामने पहुँच गया हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू है अंडर वाटर पार्क का, और बड़ा कमाल का, क्या नेक्स्ट लेवल का माहौल जो है वो सामने आप देखें। ये है अंडर वाटर पार्क, क्या ज़बरदस्त माहौल है यार यहाँ का। ओए और यहाँ पे रश देखें आप, फिश तैरती हुई, वाओ अमेजिंग, ज़बरदस्त यार। किसको जोर दिखा रहा है, रेड बुल, ओए इतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगा, तेरे दांत पहले निकले हुए हैं। मॉल एप्पल स्टोर में यहाँ पे देख लेते हैं, आईफोन 15 प्रो मैक्स है, ठीक है, ये इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लिखी हुई है, और ये है आईफोन 15 प्रो ओनली, ये प्रो है ओनली, ये प्रो मैक्स है, ये 15 प्लस है, और क्या आई मैक लेवल है यार। सिस्टम हो पीसी हो तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या कमाल का सिस्टम जो है वो पड़ा हुआ है। ये सिस्टम आप देखें, एप्पल का भाई, एप्पल नाम ही काफ़ी है, एप्पल आपको पता है बिकता है, चलता है। मैक प्रो 28,999 ये इसकी प्राइस है, इसको आप करके देखें पाकिस्तानी में तो माशाल्लाह से आपको जो है वो लग पता जाएगा। इसका कीबोर्ड चेक करें, माउस साथ रखा हुआ है, और प्राइस जो है बहुत महंगा है भाई। मैक प्रो 28,999 में टावर में है, एप्पल M2 अल्ट्रा चिप, महंगा। इसका कीबोर्ड चेक करें आप, माउस एप्पल। यहाँ पे है मैकबुक प्रो 16, रोज़े का टाइम हो गया गाइस, तो अभी पहले रोज़ा अफ्तार करते हैं, मेरे बैग में सामान है, यहाँ पे बैठ कर रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है बाकी वीडियो फिर स्टार्ट करेंगे, अभी आउटसाइड भी जाना है, तो अभी करते हैं पहले रोज़ा अफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाह तो एप्पल स्टोर में हो गई थी अफ्तारी, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने भाई एप्पल के PC लैपटॉप मोबाइल, लोग जो है ना धड़ाधड़ चेक कर रहे हैं भाई, एप्पल के आशिक जो है ना, एप्पल के शौकीन, जो एप्पल का ज़ौक शौक रखने वाले। देखें अफ्तारी कर लिए, अफ्तारी का सामान जो है वो मैं बैग में रख लिया था, पानी की बोतल यू कैन सी, और इसके साथ ही अंदर मेरे पास खजूरें वेफर अभी रखा हुआ है, बाद में इसको छेड़ेंगे, साथ जो है वो थे एप्पल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई है, अभी मैं आउटसाइड जाऊंगा और वहां पे चल के आपको दिखाता हूं फाउंटेन वाली जगह पे क्या चल रहा है।
माल से हो जाते हैं अभी आउट और चलते हैं बाहर। आखिरी दीदार आपका माल को मैं करवाता जाता हूँ। और बाहर का क्या माहौल है यार भाई, संडे है और रश कश ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कैसे मुमकिन है यार, एतवार हो और दुबई मॉल में लोग, ओए क्या खूबसूरत व्यू। देर हो गई यार, बहुत देर कर दी तूने साहिर आते आते, बट कोई मसला नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। और माहौल जो है ना वो फुल लगा हुआ है, जमा हुआ है। इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ओए हाय हाय हाय, बुर्ज खलीफा चढ़ाइयाँ ने जट दियाँ जिमें बुर्ज खलीफा होए। हाँ अभी ऊपर चलते हैं यहाँ से, वाटरफॉल आधे घंटे के बाद या 45 या फिर 30 मिनट्स, आलमोस्ट यही जो है ये टाइमिंग रहती है, डिफरेंट टाइम में जो है वो होता रहता है। अभी लोगों का रश जो है वो लगा हुआ है, ये इतने जो बेताब खड़े हैं ना लोग, तो इसका मतलब है कि अभी टाइम टू स्टार्ट वाटरफॉल, इसीलिए ये इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे ये रश लगा हुआ है। सामने का व्यू आप देखें, भाई पब्लिक चेक करें। और अभी रमज़ान का महीना है और 364 रिलीजन जो है वो दुबई आते हैं यहाँ पर। ये देखें रश जो है, टाइम कुछ था वहाँ पे जो फाउंटेन डांसिंग और लाइटिंग वगैरह है बुर्ज खलीफा के ऊपर, जो स्पेशली लोग जो है वो देखने के लिए आते हैं, इवन पाकिस्तान से नहीं पूरी दुनिया से। वहाँ पे बहुत रश कश है, आप देखेंगे ब्लॉग के अंदर तो कितने सारे लोग वो जस्ट यही चिल करने के लिए आते हैं। वो बच्चों के साथ बड़े भी हैं भाई, ये तो हैं बच्चे, ये देखें ये जा रहे हैं, ठीक है ये तो बच्चे जा रहे हैं। अब मैं आपको जो है वो बड़े भी दिखाता हूँ, बड़े भी आए हुए हैं यहाँ पे, ये देखें बच्चों के साथ बड़े भी जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, हाय बहुत मस्त हैं चाइनीज़ हैं। तो बच्चे बड़े, मैं भी बैठ जाऊँ फिर इस गाड़ी पे, क्या ख्याल है। फाउंटेन डांसिंग जो है वो यहाँ पे हो चुकी है बंद, आज का शो यहाँ पे ख़त्म। ये देखें पब्लिक कितनी है यार यहाँ पे, ये देखने के लिए जो लोग आए हुए हैं, ये आप चेक करें, अंदाज़ा करें कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जो है वो फाउंटेन डांसिंग और लाइट जो है वो लाइटिंग के लिए आते हैं, जो कि बुर्ज खलीफा ये सामने है, इसके ऊपर लाइटिंग, ये अंदर कश्तियाँ जो है वो भी चलती हुई, और यहाँ पर फाउंटेन जो है वो डांसिंग होती है और बहुत ही खूबसूरत व्यू। तो आज की वीडियो को यहाँ पे करते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़।